के न्यूज आपका अपना न्यूज। नमस्कार देवियों सज्जनों, आप देख रहे हैं के न्यूज आपका अपना न्यूज। मैं हूं राज मकीजा और आप सबको रूबरू करवा रहा हूं शहर की ताजातरीन गतिविधियों के साथ। चलिए नजर डालते हैं हमारे शहर में घट रही कुछ घटनाओं पर और जानते हैं कि क्या कुछ घट रहा है हमारे शहर उल्हास नगर में। के न्यूज आपका अपना न्यूज। हमारे शहर उल्हासनगर का मुस्लिम समाज जो कि पिछले 25 सालों से कब्रिस्तान के मुद्दे को लेकर प्रशासन के साथ जद्दोजहद कर रहा था, बता दें कि हाल ही में महानगर पालिका में आयोजित महासभा में सर्वसम्मति के साथ कब्रिस्तान के इस मुद्दे को हल कर दिया गया है। बता दें कि सर्वसम्मति के साथ कब्रिस्तान के इस मुद्दे को हल करने के लिए उल्हासनगर केम क्रमांक 5 में एक ज़मीन कब्रिस्तान के लिए मुहैया कराई गई है महानगर पालिका की ओर से, जिसके चलते अब मुस्लिम समाज राहत की सांस ले रहा है। मुस्लिम समाज का कब्रिस्तान का जो मसला है उसको मानवता की दृष्टि से देखकर वो 5 नंबर का जो कब्रिस्तान है वहाँ पे आपने तो इन्होंने अलॉटमेंट दे दिए हैं, बड़ी खुशी की बात है। सर्वसम्मति से सारे ही सदन में, चाहे कोई भी पार्टी रही हो, सभी ने सर्वसम्मति से मुस्लिम समाज को 2400 स्क्वायर मीटर इमीडिएटली हैंड ओवर हो और 3000 स्क्वायर मीटर का जो एडिशनल प्लॉट है ट्रांसपोर्ट से कन्वर्ट करके कब्रिस्तान में, यहाँ से महानगर पालिका से मंजूर हो गया है। के न्यूज़ आपका अपना न्यूज़। उल्हासनगर मेडिकल एसोसिएशन की ओर से उल्हासनगर शहर के प्रसिद्ध टाउन हॉल में सभी डॉक्टरों के साथ मिलकर एक भव्य बैठक का आयोजन किया गया। बता दें कि इस बैठक में अलग अलग तरीके की बातों पर चर्चा की गई। साथ ही साथ आपको बता दें कि मुख्य रूप से इस पूरी बैठक में मुख्य मेहमान के रूप में हमारे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर श्री देवेंद्र फडणवीस जी की धर्मपत्नी श्रीमती अमृता फडणवीस जी मुख्य रूप से उपस्थित रही व साथ ही साथ उल्हासनगर शहर के कई गणमान्य लोग भी इस बैठक में मुख्य रूप से उपस्थित रहे। उल्हासनगर मेडिकल एसोसिएशन का कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें 900 डॉक्टर हमारे चीफ गेस्ट थे, फर्स्ट लेडी ऑफ महाराष्ट्र मिसेस अमृता फडणवीस। हमें भिन्न भिन्न बीमारियों के बारे में नई जानकारी 12 डॉक्टर्स बम्बई से आए थे उन्होंने दी और उसके अलग अलग नमूने के नए इलाज क्या निकले हैं इसके बारे में हमें ये 900 डॉक्टर्स को एजुकेशन दिया। ये प्रोग्राम बहुत ही सराहनीय था। अमृता फडणवीस मैडम ने भी इसके बारे में बहुत सराहना की और ऑर्गन डोनेशन पे बात की। हमारी उल्हासनगर मेडिकल एसोसिएशन उमा 39 सालों से उल्हासनगर में स्थापित है और हर 2 साल में ये कार्यक्रम करते हैं जिसमें पूरे थाना डिस्ट्रिक्ट के 800 से 1000 डॉक्टर आते हैं और इस बार जैसे डॉक्टर उत्मानी ने बताया कि 900 से ज़्यादा डॉक्टर्स आए और हमारे एसोसिएशन की जो एक्टिविटीज़ है मेडिकल कैंप्स करना, D4 डम के कैंप करना, पुलिस वेलफेयर सोसाइटी के लिए हम लोग कैंप करते हैं, जब भी कभी बाढ़ आती है, कोई आपदा आती है या नेचुरल कैलमिटी होती है तो हमारे एसोसिएशन अपने डॉक्टर्स से लेके। आज मी उमा कॉन मेडिकल कॉन्फरन्स आलेली आहे उल्हासनगरचे जे सगळे डॉक्टर्स आहेत 1000 जास्त यांनी ही कॉन्फरन्स अंडर द लीडरशिप ऑफ देयर प्रेसिडेंट अरेंज केलेली आहे आणि खूपच छान त्याचा जो टॉपिक आहे तो आहे ऑर्गन ट्रान्सप्लांट, ऑर्गन डोनेशन आणि त्याच्यावर अवेअरनेस ते लोक क्रिएट करतात, प्लस वेगवेगळे लेक्चर्स आहेत त्यांचे, मेयर मॅडम पण आहेत इथल्या आणि मला वाटतं हा सगळ्यात जास्त ज्वलंत जो इश्यू आहे तो ऑर्गन डोनेशनचा आहे, कारण तुम्हाला माहीतच आहे 2-3% लोकांना आज रिक्वायर्ड ऑर्गन डोनेशन ज्यांना आहे त्यांना 2-3% लोकांना मिळतं आहे ते, तर याचं अवेअरनेस खूप जरूरी आहे जे हे लोक करतायत, लेटेस्ट टेक्निक्स अपडेट करतायत लोकांना आणि हा असे कॉन्फरन्सेस आपल्यासाठी खूप जरूरी आहे की पुढे जाऊन लोक ओपन होतील अशा सगळ्या डोनेशनसाठी। आय थिंक सो 2-3 lakhs रिक्वायरमेंट तो पर इयर असतेच, तर त्याच्यापैकी जर 2-3% लोकांना मिळतं आहे म्हणजे तुम्हाला हार्डली काही लोकांना मिळतं, पण जर सगळ्यांनी हे प्लेज केलं आपलं ऑर्गन आणि स्पेशली जशा गव्हर्नमेंटच्या स्कीम्स आल्या आहेत की ब्रेन डेड पेशंटचं प्रायव्हेट हॉस्पिटल जिथे ICU आहे ते लोक ऑर्गन डोनेशन करू शकतील, किंवा अवेअरनेससाठी गव्हर्नमेंटनी 10th क्लासमध्ये जे सिलेबस आहे त्याच्यात याचे चॅप्टर्स ठेवले आहेत, हे सगळं जर मिळून आलं आणि डॉक्टर्सनी त्याची प्रमोशन केली, त्याचे अँबॅसिडर झाले, तर मला नाही वाटत आपल्याकडे जी कमी आहे ती राहील आणि महाराष्ट्र नंबर 1 होईल ऑर्गन डोनेशन सप्लायमध्ये। मला वाटतं हे
सगळ्यात जास्त म्हणतात ती घृणास्पद जी ॲक्ट आहे ही या लोकांनी केलेली आहे. आणि मला मनापासून वाटतं अशा लोकांना जे ज्युव्हेनाईल म्हणजे अशा लहान पोरींना पण नाही सोडत त्या लोकांना फाशीच्या शिवाय काहीच नको मिळालं, फाशी डायरेक्ट फाशी मिळायला पाहिजे. के न्यूज आपका अपना न्यूज. हमारे शहर उल्हासनगर में ट्रैफिक की समस्या इन दिनों अभी भी ज्यों की त्यों बनी हुई है. ट्रैफिक की समस्या हल होने का नाम नहीं ले रही है. उल्हासनगर शहर की किसी भी सड़क पर आप निकल जाएं तो आपको ट्रैफिक का एक बहुत बड़ा जमावड़ा देखने को मिल सकता है. इसी बात को ध्यान में रखते हुए और इस ट्रैफिक की समस्या को दूर करने के लिए उल्हासनगर शहर की महापौर श्रीमती मीना कुमार आयलानी जी ने तत्कालीन कदम उठाते हुए तुरंत ही उल्हासनगर ट्रैफिक विभाग व उल्हासनगर ट्रैफिक वार्डन के तमाम लोगों के साथ मिलकर एक बैठक का आयोजन किया और इस समस्या को दूर करने के लिए अहम चर्चा की कि शहर में जो ट्रैफिक की समस्या है और ऑटो रिक्शा वालों का प्रॉब्लम है उसके मद्देनजर देखे हुए मेरी ये दूसरी बार उनके टच चालू है. आज ट्रैफिक डिपार्टमेंट और हमारे जो वार्डन भाई है महापालिका के उनको एक साथ बुला के हमने मीटिंग ली. मेरे साथ सभागृह नेता जम्मू जी और मनोलासी जी हम लोग ने बैठ के उनको एक स्पॉट लिख के दिए जहाँ पे हैवी बहुत ही ट्रैफिक होती है, लोगों को आधा पौना घंटा ट्रैफिक में फंसना पड़ता है. तो ऐसे हम लोग ने डिवाइड करके वार्डन को स्पॉट लिख के दिए. साथ ही ये करा आदेश दिया कि वार्डन को जो ब्लू पैंट और वाइट शर्ट वो पहन के खड़ा रहना है यूनिफॉर्म में और दो दो को डिवाइड करके स्पॉट लिख के दिए 10-12 में से जैसे ट्रैफिक की समस्या स्मूथली हो जाए और लोगों को परेशानी ना हो जाए. साथ ही ट्रैफिक हवलदारों को ये भी बोला रिक्शा के जो यूनियन लीडर्स है उनके साथ एक अलग सेपरेट खुद की मीटिंग लेके उनको बताए कि निर्देश दे कि एक जगह पे नॉट मोर देन 10-15 रिक्शा खड़ी होनी चाहिए. तो आगे हम फॉलो करेंगे. उन्होंने रिक्शा यूनियन से मीटिंग ली न ली वो भी हम खुद फॉलो करेंगे और शहर को परेशानी में हमारा वो समस्या हल करने का काम चालू है. के न्यूज आपका अपना न्यूज. उल्हासनगर शहर को कचरा मुक्त बनाने के लिए कचरे की समस्या को दूर करने के लिए महानगर पालिका की ओर से एक कार्यशाला का आयोजन किया गया. इस कार्यशाला के अंतर्गत गीला कचरा, सूखा कचरा और प्लास्टिक की थैलियों को किस तरह से दूर किया जाए और उसकी जगह पर पेपर की थैलियां यानी कि कागज़ की थैलियों को किस तरह से इस्तेमाल किया जाए इस पर चर्चा की गई. इस मौके पर उल्हासनगर शहर की महापौर श्रीमती मीना कुमार आयलानी व महानगर पालिका के कई पदाधिकारी व अधिकारीगण मुख्य रूप से उपस्थित रहे. सत्य म्हणजे इव्हन कायद्यामध्ये पण आता त्यात नमूद केलेलं आहे की जो आपण कचरा क्रिएट करतोय त्याची विल्हेवाट लावायची जबाबदारी आपलीच आहे. हे ऑलरेडी अधिनियमन तरतूद केलेलीच होते. अजून एक नवीन आता आला प्लास्टिक बंदीचा. आपल्या महाराष्ट्रात संपूर्ण प्लास्टिक बंदी केलेली आहे. त्यामुळे आपण जे पूर्वी वेगवेगळ्या समारंभाला थर्माकोलचे प्लास्टिकचे टाटर वाटर चमचा वगैरे वापरत होतं ते आता आपल्याला वापरता येणार नाही. आपल्याला पूर्वीच्या काळाकडे म्हणजे आपल्या पत्रावळी ज्या असायच्या त्याकडे किंवा टाटा आपल्याला ते काही डिशेस शेपचेच घालणार आहे. आज जो महापालिका के तरफ से हम कचरे को कैसे रिसाइकल करें, प्लास्टिक को अपने जीवन से अलविदा करें उसको हमने यहाँ पे प्रोजेक्टर पे अच्छी तरह से सीखा. हमारे भाई ने और मीना जी ने आपको अच्छी सी गाइडलाइन दी और प्रैक्टिकल कैसे करते हैं वो भी आपको सिखाया. तो उम्मीद करती हूँ आपने जो आज कसम खाई है हम आज से ही ये सब अपने जीवन में अपनाएंगे. आज भी आप भी सीखिए, दूसरों को भी सिखाइए. ऐसा करने से हमारा जो उल्हासनगर जो नाम था कचरे का शहर है अभी ये अवेयरनेस आई है. हमारे जो आयुक्त थे निम्बालकर जी उन्होंने काफी सारा अच्छा काम किया शहर को सुधारने के लिए. तो आज हमारे मित्र निम्बालकर जी नहीं है वो अभी पुणे गए हैं. हम यहाँ से उनको सबकी तरफ से मैं उनको धन्यवाद करती हूँ. उन्होंने कैसे उल्हासनगर को जागरूक किया अवेयरनेस दाई कचरा मुक्त उल्हासनगर करने के लिए. ऐसे ऑफिसर बहुत कम रहते हैं
मगर अभी हमारे दरेकर जी उनका काम पीछे से देख रहे हैं, हमारे केनी जी, एसआई ऑफिसर्स जो भी है, हमारे पवार जी हैं, उनकी दिवाकर जी जो जो गाइडलाइन वहां पे छोड़ी थी उनको वो लंबा खींचते जा रहे हैं। तो ऐसे ऑफिसर हमारे उल्लासनगर में महापालिका में है, उनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ। हमारे कैमरा मैन, हमारे दायमा जी, हमारे ज्योति जी, जो भी उनकी टीम वर्क है जो दिवाकर जी ने बनाई थी, वो घर में नहीं बैठे जो कर रहे थे, ऑफिसर नहीं अभी क्या है, मगर उनकी अध्यक्षता वहाँ पे भी उनको फोन करके गाइडलाइन देते हैं और शहर को साफ सुथरा कैसे रखा जाए वो आगे लेके जाते हैं। आप उनको मैं उम्मीद करती हूँ आप भी ये जीवन में अपनाएंगे, आप भी सीखिए, दूसरों को भी सिखाइए। हम कचरा यहाँ वहाँ फेंकते हुए उनको रिसाइकिल कैसे करें, आपको मीना जी ने बताया, हमारे पाटिल जी ने बताया, जिंदगी में आगे लेके जाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। धन्यवाद। के न्यूज़, आपका अपना न्यूज़। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उम्दा कार्यों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के हाथ मजबूत करने के लिए भारत के कई जगहों से भारतीय जनता पार्टी में युवागण प्रवेश कर रहे हैं। उल्लासनगर शहर की बात करें तो उल्लासनगर शहर में भी पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी में कई युवाओं ने प्रवेश किया, जिनका स्वागत भारतीय जनता पार्टी उल्लासनगर शहर जिला अध्यक्ष श्री कुमार आइलानी जी ने भव्य तरीके से किया। आज मेरे प्रिय मित्र श्री किरण कदम जी ने RPI से भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया है और अपने कई सारे 100-200 कार्यकर्ताओं के साथ प्रवेश किया है। मैं उनका वेलकम करता हूं और तहे दिल से उनका स्वागत करता हूं। भारतीय जनता पार्टीचं काम जरा चांगलं प्रकारे चालू आहे शहरामध्ये, म्हणून आम्हाला पण असं वाटतं की आम्ही आता या पक्षात येऊन चांगले कामं करावं, म्हणून आमचे मित्र सुमित मेरोलिया आणि जिल्हा अध्यक्ष श्री कुमार आयलानी यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही काम करण्याची इच्छा ठेवतो आणि बाकी सगळे माझे मित्र मला सहकार्य करायला कधी पण वेळोवेळी येणारेच आहेत, म्हणून यांचा सगळ्यांचा स्वागत करतो। इथं आल्याबद्दल धन्यवाद। जय भीम, जय बुद्ध। आज बहुत खुशी की बात है, आज किरण कदम जी सैकड़ों लोग लेके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ जो ऐसा पार्टी के लिए अच्छा सोचते रहते हैं, और न सिर्फ पार्टी के लिए लेकिन इनके मन में एक जो भावना है कि मैं अपने पैनल में, अपने वार्ड में जो भी उनके कार्य वगैरह है, वो जो अधूरे हैं उनको पूरा करूं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं जो आज उन्होंने पार्टी को बड़ा करने के लिए उन्होंने अच्छा कदम लिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम, जय झूलेलाल। के न्यूज़, आपका अपना न्यूज़। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की 127वीं जन्म जयंती को मनाने के लिए उल्लासनगर शहर के साथ साथ पूरे भारतवर्ष में काफ़ी उत्साह देखा गया। बता दें कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की जन्म जयंती को मनाने के लिए उल्लासनगर शहर के कैंप क्रमांक 1 से लेकर कैंप क्रमांक 5 तक कई तरह की रैलियों का आयोजन किया गया। इन भव्य रैलियों में उल्लासनगर शहर के कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे, तो वहीं दूसरी ओर उल्लासनगर शहर की महापौर श्रीमती मीना कुमार आइलानी जी ने इन तमाम रैलियों में जाकर भीम सैनिकों के साथ मिलकर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की जयंती बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ मनाई। साथ ही साथ आपको बता दें कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की जन्म जयंती को मनाने के लिए उल्लासनगर महानगर पालिका में स्थित डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की प्रतिमा पर हार फूल चढ़ाए गए और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के जीवन को याद किया गया। परंतु जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर या देशाला राज्य घटना दिली आणि त्या राज्य घटनेच्या माध्यमातून या देशाचा विकास होतो, राज्य घटनेमध्ये जी समानता दिली आणि देशाला समानता मिळाल्याच्या नंतर देशातील सर्व बांधव एकोप्यानं एका ठिकाणी येऊन आनंदी वातावरणामध्ये वावरतायत आणि हे एक मोठं कार्य आहे। परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची आज 127वी जयंती आहे आणि संपूर्ण भारतामध्येच नव्हे तर संपूर्ण जगामध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती मोठ्या जल्लोषात साजरी होत असते आणि मी या जयंतीनिमित्त सर्वांना माझ्या परिवाराच्या वतीने उल्हासनगर महानगरपालिकेचे माजी उपमहापौर या नात्याने सुद्धा हार्दिक शुभेच्छा देते। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंतीनिमित्त सर्व शहरवासियांना आणि तुमच्या चॅनलला सुद्धा हार्दिक शुभेच्छा। परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 127व्या जयंतीनिमित्त मी व माझे सर्व कुटुंब
तसेच आमच्या उमेद सामाजिक प्रतिष्ठान करून सर्वांना जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा. परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 127व्या जयंतीनिमित्त सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त आनंद नगरकडून सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा. आणि सर्व आपल्या भारतीय घटनेचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना नम्र अभिनंदन. उल्हासनगरच्या शहराच्या वतीने पूर्ण शहराध्यक्ष या नात्याने, नगरसेवक या नात्याने मी तमाम बहुजन वर्गांना डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरची 121वी जयंतीनिमित्त हार्दिक शुभेच्छा व्यक्त करतो. विश्वरत्न, बौद्धिसत्व, महामानव, घटनेचे शिल्पकार पूजनीय डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 127व्या जयंतीनिमित्त सर्व शहरवासियांना, महाराष्ट्रवासियांना, देशवासियांना तमाम हार्दिक शिवशुभेच्छा देतो. भारतरत्न परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची 127वी जयंती संपूर्ण देशभरामध्ये साजरी होत असताना उल्हासनगर शहरामध्ये जल्लोषात, जोशात आणि उत्सवात साजरी होत आहे. मी उल्हासनगरवासियांना खास करून आंबेडकर जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा देतो. आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या दाखवलेल्या मार्गावर आपण सर्वांनी चालून या उल्हासनगरच्या विकासासाठी प्रयत्न करूया. बाबासाहेब आंबेडकरांनी नेहमीच सांगितलंय की तळागाळातल्या लोकांचा विकास झाला तर देशाचा विकास होईल, म्हणून आपण तळागाळातल्या लोकांचा विकास करूया, मग आपल्या शहराचा विकास करण्यासाठी सर्वच आंबेडकरवादी जनता या शहरामध्ये प्रयत्न करील. आणि सर्वांना पुन्हा एकदा बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या 127व्या जयंती निमित्त सर्व उल्हासनगर शहरवासियांना हार्दिक शुभेच्छा. भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची 127वी जयंती संपूर्ण हिंदुस्थानभर मोठ्या जल्लोषामध्ये साजरी केली जाते. मी संपूर्ण शहरवासियांना डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा देतो. आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी शिकवल्याप्रमाणे शिका, संघटित व्हा, संघर्ष करा. पण संघर्ष हा चांगल्यासाठी असला पाहिजे, अन्यायाविरुद्ध झाला पाहिजे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त सर्व शहरवासांना हार्दिक शुभेच्छा. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या 127व्या जयंतीनिमित्त सर्व रहिवाशांना हार्दिक शुभेच्छा. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या 127व्या जयंतीनिमित्त सर्व देशभरातल्या नागरिकांना हार्दिक शुभेच्छा. बालाजी टी कडून सर्व भीमसैनिकांना टी वाटपाचा कार्यक्रम केला आहे. चाय वाटप आणि बिस्किट वाटपाचा कार्यक्रम केला आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय असो. सिंधी जागृति सभा दिल्ली की ओर से दिल्ली के पंजाबी बाग में
सिंधी समुदाय के नव वर्ष चेटीचंड को मनाने के लिए एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका नाम था चेटीचंड मेला 2018। बता दें कि इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए उल्लासनगर शहर की महापौर श्रीमती मीना कुमार आयलानी जी को मुख्य मेहमान के रूप में आमंत्रित किया गया, जिन्होंने इस कार्यक्रम में उपस्थित रहकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। के न्यूज, आपका अपना न्यूज। जैसा कि आप सभी को पता है कि गर्मी की छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं और इन गर्मियों की छुट्टियों में हर साल बच्चे जाते हैं समर कैंप्स में। बता दें कि समर कैंप्स को ध्यान में रखते हुए उल्लासनगर शहर में कृष्णा ग्रुप ट्यूशन की ओर से समर कैंप का आयोजन किया गया है, जिस पर हमें अधिक जानकारी दे रहे हैं कृष्णा ग्रुप ट्यूशन के पदाधिकारी। चलिए सुनते हैं। हेलो एवरीवन, हर साल की तरह इस साल भी कृष्णा ग्रुप ट्यूशंस की तरफ से समर कैंप का आयोजन किया गया है, जिसकी तारीख है 20 अप्रैल से 5 जून तक। इस समर कैंप में आपको सभी एक्टिविटीज़ सिखाई जाएगी। एक्टिविटीज़ है डांस एंड म्यूज़िक, ड्राइंग एंड क्राफ्ट, राइटिंग स्किल एंड कैलीग्राफी, योगा, मेडिटेशन, हिंदी मराठी बेसिक, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश स्पीकिंग, ये सारी एक्टिविटीज़ आपको सिखाई जाएगी। मेरी शहरवासियों से ये अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स आके इस समर कैंप का लाभ उठाएं। यह समर कैंप 20 अप्रैल से 5 जून तक चालू होगी। इनकी रजिस्ट्रेशन आपको 19 अप्रैल तक करवा देनी है। इसके चार्जेस है 600 ओनली फुल पैकेज। के न्यूज, आपका अपना न्यूज। जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुए 8 साल की बच्ची के गैंगरेप के बाद पूरे भारत में विरोध जताया जा रहा है। मासूम आसिफा को इंसाफ दिलाने के लिए देश भर में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर भी काफ़ी विरोध जताया जा रहा है, आसिफा को इंसाफ दिलाने के लिए काफ़ी सपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन उल्लासनगर शहर की बात करें तो उल्लासनगर शहर में भी पिछले दिनों आसिफा को इंसाफ दिलाने के लिए एक कैंडल मार्च का आयोजन किया गया, जहां पर आम जनता को देखा गया। आम जनता ने ये कैंडल मार्च में हिस्सा लिया, ईश्वर के चरणों में उन्होंने प्रार्थना की आसिफा की आत्मा की शांति के लिए। वह साथ ही साथ सरकार से गुहार लगाई कि इस गैंगरेप के आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जैसे कि आपको पता है कि आसिफा के साथ जो हुआ कठुआ में, कश्मीर में, वो हमें इस चीज़ को लेकर बहुत दुख है और इसलिए हमने रैली निकाली है। और हम चाहते हैं और हमें ये कन्फर्मेशन चाहिए कि आसिफा की तरह ऐसे हमने बहुत सी चीज़ें देख चुके हैं, जैसे कि निर्भया का केस था दिल्ली का, और आज हम थक चुके हैं और हम थक कर इतने चूर चूर हो चुके हैं कि हमें रैली निकालना पड़ रहा है औरों की तरह। और हमें ये कन्फर्मेशन चाहिए गवर्नमेंट से कि बिल्कुल ऐसा आगे होगा नहीं। किसी भी किस्म की बच्ची हो, छोटी बच्ची हो, बड़ी बच्ची हो, हर एक औरत जीने का अधिकार है और किसी भी औरत को छेड़ने का अधिकार कोई भी मर्द को नहीं है। बस गवर्नमेंट से हम इतना प्रार्थना करते हैं कि प्लीज़ आप किसी तरह इस चीज़ का आगे से जल्द से जल्द एक्शन लें और जो भी यहाँ पे इसके इस विक्टिम के जो भी जिम्मेदार हैं, गुनहगार हैं, वो सारे के सारों को जेल हो, फांसी हो, ये हमारी प्रार्थना है MS फिटनेस वर्ल्ड से। मैं बस यही बोलना चाहता हूँ, जो आसिफा के साथ हुआ तो मैं नहीं चाहता हूँ ये दुनिया में किसी के साथ हो। वो 8 साल की बच्ची है, उसको कुछ नहीं मालूम था। उसको बेला फुसला के वो 8 दरिंदे लेके गए, उसके साथ जो कुछ किया बहुत बुरा किया उनके साथ। तो मैं पुलिस से ये विनती, हम लोग सिर्फ विनती करने आए थे कि आप थोड़ा सा उल्लासनगर में थोड़ा स्ट्रिक्टली ध्यान दें। हमें अभी भी साहब ने वही कहा है कि हम लोग अपनी तरफ से पूरा एकदम मजबूत है, उसका आप टेंशन मत लो। बस हम यही चाहते हैं पुलिस वाले से कि भाई आप लोग सिर्फ थोड़ा ध्यान दें बस। के न्यूज़, आपका अपना न्यूज़। हर साल की तरह इस साल भी मास्टर रंजन परिवार की ओर से मास्टर रंजन सिंधु भवन में सिंधी कार्निवल का आयोजन किया गया, यानी कि सिंधी मेले का आयोजन किया गया। बता दें कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत सिंधी समुदाय के कई बच्चों को अपनी संस्कृति, सिंधी बोली, सिंधी भाषा से अवगत कराया गया और अपनी संस्कृति के बारे में कई तरह की चीज़ें, कई तरह की बातें सिखाई गई और इस मेले में कई तरह के आयोजन भी किए गए। चलिए इस पर अधिक जानकारी लेते हैं और जानते हैं इस पूरे कार्यक्रम के बारे में सविस्तार से। सभी छो झूलेलाल जी तो तक ईन्दो हों अज मास्टर रंजन सिंधु भवन में तमाम तमाम घड़ो खुशियों जो माहौल लगो पो। सच में एक यो कार्निवल जैसे अस बराबर यो कार्निवल एक मेलो थी साबित थो जो बिन्नी हो 16 17 तारीख कल नंढन नंढन बारन जा परफॉर्मेंसिस हुआ
उन्हनि जे ॾाॾे ॾाॾी नाने नानीअ सां माता पिता सां जेको हिकु नयो कॉन्सेप्ट हुयो सभिनी खे तमामु घणो वणियो ऐं अॼु असां झूलण जो बहिराणो कढायो आहे ऐं ॿारनि खे उहो बहिराणो ठाहिणु सेखारियो ऐं अंदरि ॿाहिरि ॿार छेॼ हणी रहिया आहिनि ऐं तमामु झूमी रहिया आहिनि तंहिंखां पोइ हाणे हिते चालू आहे असांजो पंहिंजो फूड फेस्टिवल जंहिंमें ॿार अलॻि अलॻि पंहिंजा खाधा तयारु करे आया आहिनि पंहिंजे माउ पीउ जी मदद सां के बटर पापड़ी के छोला डबल के चापूं सिंधी खाधा जेतिरा बि क़िस्म क़िस्म चाट आहिनि उहे ॿार खणी आया आहिनि ऐं तमामु 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 मधुर हिकिड़ो लॻो पियो आहे मेलो बिल्कुलु कार्निवल जेको असां नालो ॾिनो उहो कार्निवल सच थी साबित थियो आहे जय झूलेलाल हींअर असां वटि जेको बि ॿारनि पंहिंजे कारण ठाहियो कयो आहे उहो हिते ॾाढे सुठे नमूने हलियो पिए ऐं हींअर हले थो ऐं सभिनी खे कूपन ज़रिए उहो वठिणो आहे कूपन ते हर कोई पंहिंजा 20 रुपया भरे हर कंहिं स्टॉल ते वञे थो स्टॉल ते गर्दी लॻी पई आहे काफ़ी ऐं सुठी मौज लॻी पई आहे अहिड़ा मेला सिंधियुनि जा जिते किथे हलंदा ई रहनि सिंधी सदाई आबाद रहो जिते हुजो शल शाद रहो आबाद रहो जय झूलेलाल जय झूलेलाल असां मास्टर रांजन भवन जे ॿाहिरि बि ठाहियूं हिन भेरे बि हर साल जा हिते हिकु चिल्ड्रन्स कार्निवल या त सिंधी कार्निवल सिंधी मेलो लॻल आहे जिते टिनि ॾींहनि खां जेके ॿार आहिनि घणो ई कुझु सिखियो अथनि अॼु कोई फन फेयर आहे हिते खाधा पीता आहिनि सिंधी उहे तव्हांखे ॾिसणु मिलंदा जीअं बटर पापड़ी आहे पानीपुरी आहे दाल सैंडविच आहे दाल छोला डबल आहिनि जाम जाम सुठो माहौल आहे असां सां गॾु इंदिरा उदासी जी आहिनि त अचो त हिननि खां ॼाणूं की हिननि खे कीअं लॻी रहियो आहे हिते अची करे जेका मूंखे हिते मौज आई आहे शायदि मां किथे अहिड़ी मौज वरिती हूंदी ऐं ॿारनि जेके स्टॉल लॻाया आहिनि सिंधी खाधा वाह छा त मौज लॻी पई आहे सिंधी खाधनि में छा त सवादु आहे ॾाढो सुठो हिकु मतिलबु प्लेटफॉर्म ॾिनो वियो आहे सभिनि ॿारनि खे छो त समर सीज़न शुरू थी वियो आहे घणा ई कैम्प्स लॻल आहिनि पर हिते सिंधी कैम्प लॻाईंदा आहिनि ऐं सिंधी जेके बि ॾिण वार आहिनि या जेके बि रीतियूं रस्मूं आहिनि उहे हिते सेखारियूं वेंदियूं आहिनि अॼु सिंधी खाधा पीतनि जो स्टॉल लॻल आहे ऐं हिते माण्हू मतिलबु फ्री में नथा खाइनि हिते हिकु कूपन वठिणो अथनि उन्हनि खां पोइ हिते जाम मिनिमल हिकु कॉस्ट आहे ऐं हुन ते उहे खाधा पीता कनि था के न्यूज आपका अपना न्यूज तो के न्यूज आपका अपना न्यूज में आज के लिए बस इतना ही लेकिन चलते चलते आप सभी शहरवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश अगर आपके आसपास या आसपास के परिसर में कोई भी घटना घटती है और उस घटना को आप के न्यूज आपका अपना न्यूज के माध्यम से शहरवासियों तक या फिर प्रशासन तक पहुंचाना चाहते हैं तो आपके टीवी स्क्रीन पर दिए गए इन नंबरों पर संपर्क कर उन घटनाओं की जानकारी आप हमें दे सकते हैं इस संदेश और इस निवेदन के साथ के न्यूज की पूरी टीम के साथ साथ राज माकिजा को देंगे इजाजत बहुत बहुत धन्यवाद के न्यूज आपका अपना न्यूज़